नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन, इन टीवी मीडिया नेटवर्क से। और आज हम लोग गणेश हंसदा जी की जो 16 बिहार रेजिमेंट 16 जून 2020 का सर्वोच्च बलिदान गलवान घाटी में जिन्होंने दिया है, उनके नाम पर एक पार्क का निर्माण किया गया है, वीर शहीद गणेश हंसदा, जो हमारे देश के माटी के लाल, हमारे झारखंड के बहरागोड़ा प्रखंड के माटी के लाल, जो सर्वोच्च बलिदान देकर के साबित किया कि हमारी देश की आर्मी दुनिया की सबसे अच्छी प्रोफेशनल आर्मी है। और दुनिया में जो हमारे दुश्मन देश हैं, उनके अपने शहादत से, अपने कृतित्व से उनके दांत खट्टे कर दिए। तो मैं अपने हजारों लाखों व्यूअर से ये कहना चाहूंगा कि जब उनको समय मिले तो जरूर इस प्रखंड में आकर के, गणेश हंसदा जी के गांव में आकर के, उस शहीद के पार्क का दर्शन करें, उस शहीद के पार्क में आए और शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और आज का बड़ा खास दिन है, क्योंकि आज यहाँ पर कई एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं और आकर के यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे, उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, पार्क का उद्घाटन करेंगे। तो आज हम लोग कई एक कार्यक्रम में व्यस्त हैं, लेकिन आज ये पार्क की खासियत है कि ये पार्क हमेशा याद दिलाएगी कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत गणेश हंसदा, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हमारे देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री गणेश हंसदा, वीर शहीद गणेश हंसदा, जो इस देश के, इस दुनिया के पटल पर, इस बहरागोड़ा प्रखंड को पूरी दुनिया और देश के पटल पे लाने वाले हमारे ये हीरो को नमन करती है। और आज हमारे इस हीरो माँ भारती के सपूत का आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और ये पार्क उनके हमेशा हमें याद दिलाएगी और हम लोगों को बताएगी कि उनके बलिदान को हम लोग कैसे सचित्र और कैसे सजीव रखें, और कैसे उस बलिदान से अपने युवाओं को प्रेरित करें देश सेवा के लिए, और देश सेवा में अपनी सर्वोच्च बलिदान दें। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज ये वो खास दिन है, आज ये वो दिन है कि जिसमें इस पूरे झारखंड और पूरे देश के लोग अपनी जिंदगी का वो लम्हा, जो कभी गणेश हंसदा जी ने माँ भारती के बलिदान के लिए जिया था, वो आज यहाँ पार्क को देख करके, आज उनके घर पे उनके माता पिता से मिल करके आज वो महसूस कर रहे हैं। तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इंडिया टीवी ऑनलाइन, इन टीवी मीडिया नेटवर्क की तरफ से मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश के युवा उनके पद चिन्हों पर चले और इस देश की, इस मिट्टी की, इस मातृभूमि की, अपने इस प्रदेश की सेवा सर्वोच्च रूप से करें। धन्यवाद।